माय डियर मुन्ना मुन्नी, हम तुमसे बोलना चाह रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप बहुत सारा डाउट हमको मेंशन किए थे, फिर से थोड़ा गौर कीजिएगा। आपके लिए सिंपल पास्ट टेंस लास्ट वीडियो में आप लोग सीखे थे, पार्ट वन। पार्ट वन मीन्स बोलने का मतलब है आप असर्टिव सेंटेंस, मतलब नॉर्मल वाक्य सीख रहे थे। तो आज आप लोग सीखिएगा पार्ट टू। सर पार्ट टू में एक्चुअली हम लोग सीखेंगे क्या? पार्ट टू में क्या सीखेंगे? पहले पेन को बंद कर दे, फिर हम लोग सीखेंगे। पार्ट टू में आप लोग सीखेंगे क्या? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस को। तो इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत, अरे बाबू लल्लू फॉर्मूला था, एक बार गौर करके तो देखो। पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, सभी के संग डिड लगा देना, ए राजू, फिर नॉट लगा देना, फिर उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो है अगर जहां चुदुर बुदुर सेकेंड फॉर्म अगर तुम कर दिए, सोच लो पूरा काट के जीरो कर देंगे, वो सब ड्रामा नहीं। फिर तो इसके संग क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। सर इसको बनाने का कोई एग्जाम्पल देकर थोड़ा अच्छा सा समझा दीजिए ना सर। जैसे मान लीजिए उसके पापा नहीं आए थे, बीते हुए समय में कोई काम अगर हो रहा है, उसके पापा नहीं आए थे तो क्या होगा, His father did not come. मेरी मम्मी मुझे नहीं बुलाई थी, ठीक है। My mother did not call me. तो गौर कीजिएगा, माई मदर मेरा सब्जेक्ट हो गया, डिड सबके संग लगाएंगे, नॉट रहने पर लगाएंगे, कॉल के संग देखिए एम वी वन, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सर इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या रे मैम, क्या मेरी मम्मी मुझे नहीं बुलाई थी, कुछ नहीं करना है, डिड को आगे लेकर आइए, डिड माई मदर नॉट कॉल मी क्वेश्चन मार्क, मतलब आपका हो गया यस नो क्वेश्चन, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें जो है हमेशा जो है यस नो क्वेश्चन है, ये भी इंट्रोगेटिव है, मीन्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा। तो डिड माई मदर नॉट कॉल मी, अगर आपको इसको स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग करना है, डिडेंट माई मदर कॉल मी, जोश के संग नया वीडियो है। फिर तुमको कुछ डाउट है, नया वीडियो में हमसे पूछ लो, और कुछ डाउट हो नया वीडियो में हमसे पूछ लो, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर तुम कर रहे हो, ध्यान दो इसको। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जोश से मिलेंगे, बाय।